नमस्कार, रागनी के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मीठे पारे बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये 1 कप दूध था और ये आधा कप इसमें हमने चीनी डाल दिया और ये आधा कप मैंने घी डाल दिया। और इसको बहुत अधिक खौलाना नहीं है, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। अब इन सबों को लेकर के मैं इसमें डाल देती हूँ, थाली में। ये आपका ये ठंडा हो रहा है, ये आपकी हरी इलायची है, छोटी हरी इलायची। इसको मैं छील करके इसमें ईमानदास्ता में डाल रही हूँ। देखिए, और ये आपका चीनी है। चीनी डालने से क्या होता है, ये मैंने पहले भी अपने एपिसोड में बताया है कि चीनी डालने से ये बहुत बारीक हो जाता है। देखिए देखिए कितना बारीक हो गया। अब मैंने इसे इसमें डाल दिया। ये मैंने 2 चम्मच तिल रखा है, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं देखिए, ये मैदा है, ये देखिए, अब मैं डालती जा रही हूँ। धीरे धीरे डालिएगा कि लम्स ना पड़े। ये आटा मेरा कितना सॉफ्ट हो गया, ये आटा देख रहे हैं, देख कितना सॉफ्ट हो गया है। ये इसको मैंने रेस्ट करने को रख दिया था और इसके बाद इसको मैंने थोड़े से घी लगा के और सॉफ्ट किया। इसका मैंने पेटी देखिए, एक, ये हमने 4 बना लिया। देखिए मैंने 4 पेड़ी बनाई थी, इसमें से एक पेड़ी लेके देखिए इसको मैं बेल रही हूँ। देखिए बहुत पतला नहीं बनता, देखिए कितना, इतना ही मोटा आप बनाइएगा। अब मैं इसे काट रही हूँ और मेरा तेल जो है घी गरम हो रहा है। ऐसे चौकोर चौकोर काटते हैं। देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, ये मैंने थोड़ा सा डाला, ये ऊपर आ गया। ऊपर आने से मतलब क्या हुआ कि मेरा तेल गरम हो गया। अब मैं इसे डालती जा रही हूँ।
इसको मीडियम आंच पे बनने दीजिए। देखिए अभी लाल होने लगा ना, अब इसको मैं थोड़े 2 मिनट में निकाल लूँगी, क्योंकि अगर बहुत लाल कीजिएगा हाँ तो ये जो है, अब मैंने गैस को बंद कर दिया, अब मैं निकाल दी हूँ। देखिए देखिए ये आपके मीठे पारे बन गए, देखिए कितना अच्छा बना है। अगर मेरा ये मीठे पारे आप लोगों को पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और बेल बजाइएगा। नमस्कार।